रेंडर नहीं कर पा रहा। सो व्हाट इज अ वांटेड आर्मी, वेलकम बैक टू अनदर PUBG मोबाइल वीडियो। सो गाइस आ चुके हैं इस बार हम पोचिंकी में और ये फिर से एक हाई किल गेम प्ले होने वाला है जिसमें हमारे होंगे 32 किल्स। तो अब यहां पर क्या है कि भाई मैं लूटने गया था रोड साइड पर और यहां पर मिडल में मेरे बंदों की फाइट हो गई, तो जाना तो बनता है ना यार, क्योंकि किल्स तो सबको चाहिए और जिसको नहीं चाहिए वो क्या कर सकते हैं उसका भाई, उसका कुछ इलाज नहीं है। इस गेम में मेरे एक्चुअली 19 किल्स होंगे और लोग इतने भी ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा खास लोग भी होते हैं ना उसमें इतने ज्यादा किल्स हो नहीं पाते। तो इसमें हम पूरा एग्रेसिव गेम प्ले दिखाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पोचिंगी में आने के बाद थोड़ा अंदाजा हो गया था कि लोबी इतने भी ज्यादा खास नहीं है। कुछ एक बंदे बीच में मिलेंगे जो लिटरली काफी अच्छे होंगे, लेकिन उसके अलावा हर कोई बंदा इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा लो लेवल लोबी आई है ये, और लो लेवल लोबी आएगी तो हम अपना केडी जरूर बढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हमने एक बंदा पकड़ लिया है जो लिटरली अंदर बैठा हुआ है कमरे में, वो आराम से स्कोपिंग करके बैठा हुआ है दरवाजे के सामने, लेटा पड़ा है। तो हमने डिसाइड किया स्मोक करके पैन मारेंगे और वो किया, और इसको देखो भाई इसमें शायद हीलिंग भी नहीं थी पबजी लवर पे। तो अब इसके बाद तो भाई देखो मैं अपनी स्निपरी को लेके जा रहा हूँ बाइक पे उड़ा उड़ा कर, लेकिन यहाँ पर क्या है कि भाई यहाँ पे ड्रॉप हो गया है हमारे जस्ट सामने, और ड्रॉप हो गया तो भाई हमें जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ड्रॉप लूटने जा रहा हूँ और मैंने स्निपरी को कहा है अपने कि भाई पीछे से मुझे कवर दियो। ठीक है, तो अब यहाँ पर ड्रॉप में मुझे मिल चुकी है ग्रोजा मतलब ग्राजा, ठीक है जैसे भी आप सब बोलते हो ग्राजा ग्रोजा जो भी है, एक बहुत ओपी गन, ठीक है जो भी कह सकते हैं बहुत ओपी गन है। बट आई लव M249, मुझे नहीं पता क्यों मेरी M249 से एक्यूरेसी डबल हो जाती है एज कम्पेयर टू ग्रोजा AKM एट ऑल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कि भाई एक गाड़ी आई, हाथ में M4 थी, अच्छा स्पोर्ट था, बट बीच में इस रिज ने मेरा काम खराब कर दिया, मुझे एंगल ही नहीं मिला, दिस इज वाई मैं एक बंदा भी नहीं नॉक कर पाया। अब यहाँ पर इनका एक बंदा तो मेरे बंदे ने नॉक कर दिया था, तो अब उसके बाद क्या है कि भाई मैं जाके पोजीशन ले रहा हूँ आगे। अब यहाँ पे आगे जाने का रीज़न, इतने ओपन में जाने का रीज़न ये है कि मेरे पीछे मेरे बंदे खड़े हैं। ठीक है, कोई सामने से आएगा तो अब ऊपर ऊपर छत पे खड़े हैं, जिससे वो आराम से एंगल लेकर तोड़ देंगे सबको, लिटरली तोड़ देंगे। तो भाई यहाँ पर इतना होता है कि आवाज़ आती है भाई यहाँ पर BRDM आ चुकी है जो ड्रॉप वाली गाड़ी है, तो भाई यहाँ पर अब होने वाला है मेरी ग्रोजा वर्सेस BRDM उन लोगों की, और ये लोग इतने बीच में से लेके जा रहे हैं कि भाई हम BRDM को तो फाड़ ही देंगे। ठीक है, इसकी HP यार बहुत कम रखी है, मैंने सुना है कि PUBG PC में कुछ ज़्यादा ही HP है इसकी, तो यहाँ पर इन लोगों ने डैमेज दिया, लेकिन मैं थोड़े बहुत शीट होल्ड कर करके इसका पूरा किल ले लिया। ठीक है, तो चार बंदे थे, चारों के चारों किल मिल गए, एक बंदा जंप किया उसका भी किल मुझे ही मिल गया, क्योंकि उसको हवा में ग्रोजा ने पेल दिया था, क्योंकि ग्रोजा बहुत ज़्यादा ओपी गन है। ठीक है, इसके बाद क्या कि भाई आराम से हम लूट रहे हैं, तो इन लोगों ने फायदा उठाने की कोशिश करी, भाई टीटो को इतना ज़्यादा डैमेज किया, तो यहाँ पर राजपूत ने एक बंदा नॉक कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या कि भाई देखो ये लोग हमारे पे पुश कर रहे हैं राइट लेफ्ट कंप्लीट, अच्छे बंदे थे हम मानते हैं, क्योंकि यार इन लोग की थोड़ा पोजीशन अच्छी थी, बट इन्होंने ज़्यादा दिमाग लगाया यानी जितना हम लगा रहे थे इस टाइम, तो हो गया भाई ओल्ड हो गया, नथिंग एल्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि भाई सिंपली हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो गाइस वहाँ से निकले थे। अब इन लोग के पास रॉयल पास वाली गाड़ी थी, बट ये लोग इतने ज़्यादा ओपी नहीं थे, ये मुझे इनके स्प्रे से पता चल गया था, तो मैं गाड़ी इनके आसपास गोल 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 घुमा रहा हूँ, जबकि ये मूव कभी कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें से एक भी बंदा अच्छा स्प्रे करने वाला हुआ ना, दो तीन बंदे आराम से गाड़ी से उड़ा देगा। तो इनका जब स्प्रे कनेक्ट नहीं हुआ तो मैंने कहा भाई चलो यहाँ से, तुम्हारे बस की नहीं है। लेकिन फिर टीटू ने और हमारे बंदों ने हमें बताया कि भाई तेरे क्लैन में होने का कुछ रीज़न है। ठीक है, तो उसका कुछ रीज़न है, तो इन्होंने एक बंदा नॉक सच में कर दिया। ठीक है, जब मैं ये बात बोला, अब यहाँ पर भाई सिंपली होगा पुश और मार दिया जाएगा, नथिंग एल्स, सबको पेला जाएगा, अच्छे से पेला जाएगा, नॉक के बाद फिनिश भी कर दिया जाएगा, क्योंकि उसमें और भी ज़्यादा लेवल का मज़ा आता है। इनका चौथा बंदा पता नहीं कहाँ था, तो जब तक हमें पता चला आपको बताऊँगा कहाँ था इनका चौथा बंदा, वो एक्चुअली साइड से गाड़ी लेके USG लेके पीछे की तरफ भाग गया था, जहाँ पे सेवरनी का जोन है, वो सेवरनी के अंदर जाके बैठ गया था, जिसका हम बाद में अच्छे से 1v4 करेंगे। ठीक है, आई मीन 4v1। तो अब इसके बाद क्या है कि हम सिंपली यहाँ पे घूम रहे हैं, मतलब झूम रहे हैं, घूम झूम जो भी कहो, यहाँ पर एक और बंदा स्पॉट हो गया, और यहाँ पर मैंने कहा कि टीटू भाई हम दोनों पुश कर रहे हैं, पीछे से स्नाइपर और राजपूत तुम दोनों कवर देना, क्योंकि अब यहाँ पर यही पॉसिबल है और सबसे अच्छा भी यही रहेगा, और हम ज़्यादा उस तरफ नहीं जाएंगे ताकि हमारे लिए कुछ गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ पर मैंने सिंपली फाइट ली और ये बंदा काफ़ी अच्छी फाइट ले रहा था, लेकिन स्नाइपर ने कवर फायर के नाम पर इसको पेल दिया और मेरा किल चुरा लिया, चुरा भी क्या कह सकते हैं, अभी बंदे ने अच्छा कवर दिया है, इसके लिए अप्रिशिएट दिस। तो अब यहाँ पर क्या है कि भाई देखो सामने एक और बंदा है जो टीटू ने देख के इग्नोर किया, लेकिन जब मुझे दिखा तो भाई मैं किल नहीं छोड़ने वाला, तो M4 का स्प्रे दिया, पता नहीं क्यों मेरे पास ओम भी थी, पर जब से मैं गायरोस्कोप पे शिफ्ट हुआ हूँ मैं स्प्रे कुछ ज़्यादा करने लग गया हूँ मिडल रेंज पे, तो कभी कभी जब ओम निकालता हूँ तो काफ़ी अच्छे पटाखे लगते हैं भाई, गायरोस्कोप का बहुत ज़्यादा फायदा होता है, तो क्या कर सकते हैं हम सिंपली। हाँ, एक और गाइस बात कि स्नाइपर मॉन्टेज Part 3 आने वाला है, अब उसकी डेट क्या होगी वो मुझे अभी तक मैंने कंफर्म नहीं किया, या वो 22nd December या 1st January या 21st January मेरे बर्थडे वाले दिन। ठीक है, तो इनमें से तीनों में से किसी एक दिन लेके आऊँगा और देखता हूँ, जब तक मेरी क्लिप्स कलेक्ट हो जाएंगी, एडिटिंग मैं स्टार्ट कर चुका हूँ धीरे धीरे करके, उसका गाना होने वाला लेजेंड्स नेवर डाई,
और जो मे भी काफ़ी सही लगेगा सबके लिए और सबको पसंद भी आएगा। तो गाइज पार्ट वन पे यार 1K से ऊपर व्यूज़ हो चुके हैं जैसा कि तुम लोग को मैंने पहले भी बताया था। तो अब सेकंड पार्ट पे 200 कुछ व्यूज़ थे, लेकिन थर्ड पार्ट पे मैं कोशिश करूँगा कि मेरी अब तक की दोनों में से सबसे बढ़िया वाली हो स्नाइपर मॉन्टेज। अब ये देखो भी इनका लास्ट मतलब यहाँ पर आया था, तो हमने लेफ्ट राइट स्ट्रैटेजी यूज़ करी बट ये बेचारा उधर ही था तो हमें वो किल नहीं मिला। अब यहाँ पर भाई रोड साइड आ गया था, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था इसलिए मैंने इस बीच का सीन स्किप कर दिया। उसके बाद भाई यहाँ पर हम बंदा ढूंढने आए थे लेकिन बंदा यहाँ मिला ही नहीं, तो मैं वैसे ही मैं कहा चलो छत के ऊपर चढ़ के देखते हैं क्या है। तो छत के ऊपर एक्चुअली बंदा भी छत के ऊपर था, कोई साउंड भी नहीं कर रहा था, तो सिंपली भाई मार दिया, 2 हेडशॉट भाई तो M4 ही खत्म हो गया बेचारा। इसके बाद ये भाई ये सिंपल प्लेबैक स्पीड नहीं है, 1.5x स्पीड है, तो भाई ज़रा देख लो थोड़े बहुत स्नाइपर के पटाखे मेरे, तो चलते रहेंगे पटाखे पटाखों का क्या है। वैसे भी दिवाली तो भाई रोज़ ही मनाते हैं पबजी में, ठीक है। और क्या नाम है, अभी एक और चीज़ मैंने कहनी थी, हाँ वो ईयरफोन्स वाले वीडियो और दूसरा कौन सा था, सेंसिटिविटी वाला वीडियो, ठीक है, तो वो आ जाएगा, काफ़ी जल्दी आ जाएगा, मेरे एग्जाम सब ओवर हो चुके हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लेट इसलिए आया क्योंकि भाई मेरा नेट पैक और कह सकते हैं ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वाईफाई मैं अभी लगवाया नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं उस लेवल पर पहुँचा नहीं हूँ यूट्यूब के। तो देखते हैं धीरे धीरे भाई वो भी लगवा लेंगे, अभी थोड़ा इंटरनेट का थोड़ा चक्कर पड़ रहा है मेरा, बाकी काफ़ी जल्दी अगले वीडियो आने स्टार्ट हो जाएंगे, सेंसिटिविटी और ईयरफोन्स दोनों बहुत जल्दी आ जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत ना लो, ठीक है। सो यहाँ पर अभी लास्ट स्क्वाड है जिनको हम क्लियर कर ही देंगे, इन्होंने हमारा स्नाइपर जो खा लिया। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।